मंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रधान मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधान मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सेव अवर इंडिया, 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 प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, ये नफरत की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये हिंसा की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये नफरत की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये हिंसा की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सेव अवर इंडिया, 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 लहर फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लहर फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री चुप्पी साध रहे हैं, प्रधानमंत्री आके कुछ सदन में कहे, अमित शाह जी की इस्तीफा हमारी मांग है, सदन में इस विषय पे चर्चा करना हमारा मांग है, हम सुबह में सदन सरकार पक्ष को कहा कि इतने बड़ी घटना घटे हैं दिल्ली में जहां लाशों की कतार भरते जा रहे हैं, इसी हालत में सदन चलाने से पहले कम से कम इस विषय को सामने रखकर एक चर्चा होना चाहिए और जो दोषी और किसकी गलती से ये सारे घटना घटी है इसको बारे में हम सबको मालूम करना चाहिए। उनके पार्टी के नेता लोग खुद कहते हैं गद्दारों को गोली मारो सालों को और हमने उकसाया, कोर्ट कहते हैं कि बीजेपी पार्टी के नेता उकसा रहे हैं और हम उकसाया, अभी बीजेपी पार्टी दल दल में फंस गए हैं, अभी उनकी जो दिल्ली में जो जुलूस निकलता है उसमें भी गोली मारो सालों को नारा लगाया जाता है, कल अमित शाह जी कलकत्ता में रैली किए हुआ भी गोली मारो साले को नारा लगाया जाता है, तो गोली मारो सालों के सालों कौन है, इतने सालों को किसको गोली मारना चाहते हैं बीजेपी पार्टी खुद बताए, क्या बिना इस्तीफे के सदन नहीं चल पाएगा दादा? नहीं ये बात नहीं है, हम मांग करते हैं कम से कम प्रधानमंत्री आके बयान दे, हमारे मांग है गृह मंत्री की लापरवाही से इस तरीके की घटना घटी है, निशंक से घटना घटी है, इसकी निदान हो और गृह मंत्री जी को इसके जिम्मेवारी लेना चाहिए, हमारा पार्टी की नेत्री वो भी यही मांग की है कि जिम्मेदारी किसी को लेना चाहिए, इससे घटना कैसे घटी है, किसी को तो जिम्मेवारी लेना चाहिए, किसके दायरे में आते हैं दिल्ली आते हैं गृह मंत्रालय के दायरे में, जब दिल्ली में दंगा होते हैं खून होते हैं आगजनी होते हैं तब तो हमारे गृह मंत्री जाके अहमदाबाद में खातिरदारी करते मेजबानी करते हैं, इसके बारे में कोई पता नहीं उनको, कोई भनक नहीं लगे, क्या हुआ अभी भी लाश निकलते जा रहे हैं, कितने मौत हुई वो भी हमें जानकारी नहीं आई, वो भी 7 दिन होने के बावजूद, तो इस सरकार है ये अंधी बैरी एक सरकार को लेकर हिंदुस्तान के लोग क्या करें, बहुत शुक्रिया। दिल्ली में जो सारा घटनाक्रम हुआ है बहुत ही दर्दनाक वाक्य है और इसके ऊपर संसद में एक चर्चा की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने की ज़रूरत है, इसके ऊपर संसद में चर्चा की ज़रूरत है, 40 लोगों की मौत हो गई है, अनेक लोग अभी भी लापता हैं, 250 से अधिक लोग घायल हैं, करोड़ों लोग रुपए की संपत्ति तबाह हो गई है, कौन जिम्मेवारी देगा? लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब जब शांति बनी हुई है विपक्ष इस पर पॉलिटिक्स कर रहा है, मुद्दों को गरमाना चाहता है, सीए पर राजनीति कर रहा है, सदन में प्रधानमंत्री से जवाब मांगना, जो दिल्ली में हिंसा हुई है क्या उसको राजनीति अब करार देंगे?